जानिए कैसे मनाते हैं नारियल पूर्णिमा, कैसे करें पूजन। नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष पे। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण माह की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे नारली पूर्णिमा भी कहते हैं। यह त्यौहार कई जगह श्रावण मास के द्वितीय के दिन से ही प्रारंभ होकर पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। 22 अगस्त 2021 को पूर्णिमा है। नारियल पूर्णिमा महाराष्ट्र सहित समूचे दक्षिण भारत में और पश्चिमी घाट सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। इंद्र, वरुण और समुद्र देव की पूजा। इस दिन रक्षा सूत्र बांधने के अलावा समुद्र देवता की पूजा की जाती है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने के बाद करते हैं। यह इस दिन वर्षा के देवता इंद्र और समुद्र के देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। नारियल को पीले वस्त्र में लपेटकर उसे केलों के पत्ते पर रखकर अच्छे से सजाते हैं और फिर उसे जुलूस के रूप में ले जाते हैं। फिर नारियल की शिखा समुद्र की ओर रखकर विधिवत पूजा अर्चना और मंत्र पढ़ने के बाद समुद्र देव को नारियल अर्पित करते हैं, मतलब समुद्र में नारियल बहा दिया जाता है ताकि समुद्र देव हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। इसके उपरांत धूप और दीप किया जाता है। नारियल अर्पण करते समय प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण देव, आपके रौद्र रूप से हमारी रक्षा हो और आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो हमें। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपने जनेऊ बदलते हैं, इस कारण इस त्यौहार को अभितम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। धन्यवाद।